आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज हम बात करें एमबीए फ्रॉम आईआईटी सीट्स फी एवरेज सैलरी एंड बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स जितने भी प्लेसमेंट रिपोर्ट है मैंने अरेंज कर ली है। एक पावर पैक वीडियो होने वाला है सो कहीं मत जाइए, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आगे आती रहेगी। टोटल 8 IITs है जहाँ से आप एमबीए कर सकते हो। वहाँ पे फी क्या है, एवरेज सैलरी क्या है, मीडियम सैलरी, हायर सैलरी, इन जनरल बैच प्रोफाइल कैसी है, वो सब आज इस वीडियो में हम देखेंगे। यस एंड पूरी इन्फॉर्मेशन को मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल में कंपाइल किया है, अगर आपको वो आर्टिकल चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स की लिंक है, सो यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट आर्टिकल। बट इट्स रिकमेंडेड कि आप ये वीडियो देखो बिकॉज रेकी कैसे होती है कोई प्लेसमेंट रिपोर्ट की वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सो टोटल अगर हम बात करें कितने IITs है जहाँ पे MBA प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है एंड उनके नाम क्या है, SJM सॉम IIT बॉम्बे, DMS IIT दिल्ली, विजय सॉम IIT खड़गपुर, डॉम्स इज नथिंग बट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सो इसको DMS बोल लो या फिर DOMS बोलो या डॉम्स बोलो, डॉम्स IIT रुड़की, IIME IIT कानपुर, देन IIT ISM धनबाद, IIT मद्रास, IIT जोधपुर, जिसने रिसेंटली स्टार्ट किया है एमबीए प्रोग्राम, रिसेंटली इन द सेंस पहली बैच प्लेस हो चुकी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे नए IIT से एंड देन वी विल गो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। IIT जोधपुर की बात करें तो जो बैच प्रोफाइल है 68 स्टूडेंट्स के आसपास थे रिसेंटली प्लेस्ड बैच में, तो 60+ का इंटेक है। इन जनरल जेंडर डाइवर्सिटी बहुत ही अच्छी मेंटेन की है, 53:47 मेल टू फीमेल रेशियो। एकेडमिक डाइवर्सिटी आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल प्लेसमेंट्स की बात करें तो हाईएस्ट CTC 21 के रेंज में गया है, एवरेज CTC 13.02, वी आर कंसर्न्ड विथ मीडियन 12.77 विच इज़ वेरी गुड गुड एंड आप देख सकते हो बाकी डिटेल्स फ्रेशर्स कितने हैं, है ना, लेस देन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रेशर से होते हैं, 59% ऑफ द बैच एंड बाकी डिटेल्स मैंने जैसे कहा कि लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। ये तो हो गए IIT जोधपुर की बात एंड IIT जोधपुर में जो फी स्ट्रक्चर है वो 8 लाख के आसपास है, ठीक है। सो अब आ जाते हैं DMS, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IIT धनबाद, है ना, ISM। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीडियम सैलरी 9 लाख के आसपास है एंड जो एवरेज सैलरी है 9.6, ठीक है, एमबीए की बात कर रहे हैं हम। एंड अगर हम एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें, दो अलग अलग प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। बिजनेस एनालिटिक्स की जो एवरेज है वो बहुत ही अच्छी है, 12.85, मीडियम इज ऑल्सो गुड, सो डेफिनेटली मस्ट अप्लाई इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू बिजनेस एनालिटिक्स एंड बैच प्रोफाइल आपके सामने है। अभी जोधपुर हो चुका, धनबाद हो चुका, अभी आ जाते हैं हम, लेट मी स्क्रोल अप, IIT कानपुर। यस सो IIT कानपुर की बात करें, आपको यहाँ पे एमबीए प्रोग्राम देखने मिल जाता है, जेंडर रेशियो बहुत बुरी तरह से हिला हुआ है, 92:8, दिस कैन बी इम्प्रूव्ड, मस्ट इम्प्रूव, 25 ईयर्स की एवरेज एज है, एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 19 मंथ्स का है, कोई इशू नहीं एंड फ्रेशर्स 21% ऑफ द कंप्लीट बैच। लेट्स स्क्रोल डाउन, मीडियम सैलरी 16 लाख की है, एवरेज सैलरी 16.61 लाख की है, हाईएस्ट 22, अगेन वेरी गुड इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप एमबीए कर सकते हो। एंड अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो 6 या 7 लाख के आसपास आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाली है, सो बहुत ही जबरदस्त है एंड यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस ऑप्शन यार। IIT रुड़की पे आ जाते हैं, IIT रुड़की का बैच साइज अगेन 60+ एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड आप देख सकते हो, 16.8 की एवरेज सैलरी है, मीडियम सैलरी 18 है, मीडियम सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है तो डेटा स्क्यूड है, ठीक है, सो इन दिस केस यू कैन कंसिडर एवरेज सैलरी, तो डेटा 15 लाख के आसपास ऐसे कुछ होता तो अलग बात है, 18 मीडियम है तो स्क्यूड है, हाइएस्ट 25.8, सो एवरेज इज वेरी गुड, बहुत इम्प्रूवमेंट है IIT रुड़की की एंड इफ आई टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट 10 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट होने वाली है ना, तो IIT रुड़की में भी आपको एमबीए प्रोग्राम देखने मिल जाएगा। अभी बात करते हैं डॉम्स IIT मद्रास, यस अगेन वन ऑफ द इंस्टीट्यूट वेरी कूल इन्वेस्टमेंट वाइज, ओवरऑल प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो, 60 के आसपास स्टूडेंट्स है एंड हाईएस्ट सैलरी 25 के रेंज में है, एवरेज 16 के रेंज में, मीडियम सैलरी उन्होंने डिफाइन नहीं की है,
ठीक है। सो आई डोंट नो भाई, बट हाँ पहले करते थे, अभी तो मुझे दिखी नहीं प्लेसमेंट रिपोर्ट में। 25 के हाईएस्ट सैलरी एवरेज 16 लाख की है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, कितनी इन्वेस्टमेंट, 8 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 8 to 9 लाख की इन्वेस्टमेंट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट IIT मद्रास, है ना। सी प्लेसमेंट्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड पैसा आपका मोटिवेशन फैक्टर अगर है तो डेफिनेटली इन कॉलेजेस को चेज करना है, तो वो माइंडसेट वैसे बनेगा, है ना। अब बात कर लेते हैं विजिसॉम IIT खड़गपुर। यस, बैच साइज 97 के आसपास और इन जनरल 100, वन थर्ड ऑफ द बैच गेटिंग PPOs। ओके, स्क्रॉल डाउन। ओके, सो जो फ्रेशर्स है 2% ऑफ द बैच है, एंड हाईएस्ट CTC 31.98। यस, वेरी स्ट्रॉन्ग एवरेज 19.36, ऑलमोस्ट 20। मीडियम सैलरी बहुत ही लाजवाब है, 18 लाख की मीडियम सैलरी है, लोएस्ट 10 लाख। वेरी गुड, यस, वेरी वेरी गुड। एंड कंसल्टिंग डोमेन में 29% ऑफ द टोटल बैच प्लेस हुई है। ये देखो, ये ऐसी प्लेसमेंट रिपोर्ट होने चाहिए, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ की, है ना। तो विजिसॉम IIT खड़गपुर का तो मतलब क्या ही बोले, जो इन्वेस्टमेंट है 11 लाख के आसपास होने वाली है, ठीक है। सो 6 तो डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट 2 टू गो। आ जाते हैं हम DMS IIT दिल्ली। यस, सेकेंड रैंक। सी ऐसे में रैंक नहीं कर सकते इनको, बट हाँ मैंने सैलरी वाइज इनको अरेंज किया है। ओके, बट पहले जो 3 पोजीशन है वो बहुत ही क्लियर है, SJSOM IIT बॉम्बे, देन DMS IIT दिल्ली, एंड देन विजिसॉम IIT खड़गपुर। यहाँ पे भी जेंडर रेशियो थोड़ा हिला हुआ है, कुड बी बेटर, 67:33। एंड ओवरऑल जो एवरेज वर्क एक्सपीरियंस है 22 मंथ्स का है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 18% फ्रेशर्स है। स्क्रॉल डाउन एंड यू विल फाइंड कि 62% ऑफ द बैच इज फ्रॉम IITs, NITs एंड SRCC स्टूडेंट्स। यस, कैट परसेंटाइल देख लो भाई, ये कट ऑफ वाली चीज़ है ना, क्लियर हो जाएगी, 98 के रेंज में है। सो डेफिनेटली डिफिकल्ट टू गेट थ्रू, बट यस, एक बार निकल गया तो मतलब बल्ले बल्ले है। एवरेज सिटी से देख लो भाई साहब, 21.9, टचिंग 22 लाख पर एनम। मीडियम सैलरी 20.6, वेरी वेरी गुड। इनटेक बहुत ही लिमिटेड है, हाईएस्ट 36.7। IIT दिल्ली की बात करें तो 10 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट है भाई साहब। ये जो स्टैट्स है ना वो गजब है, गजब है ना। एंड नीचे जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, वहाँ जो इंफॉर्मेशन होती है, रोल्स, कंपनीज, वो सब भी है, आराम से जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई साहब, IIT से MBA करना है तो फर्स्ट चॉइस कौन सी होगी। ये होगी वो फर्स्ट चॉइस, क्योंकि जो स्टैट्स है वो अलग लेवल पे है। यस, 100 के आसपास का इनटेक है। लेट मी स्क्रॉल डाउन एंड शो सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। यस, लेट मी स्क्रॉल, सॉरी जूम, एंड ये देखिए हाईएस्ट CTC 49 लाख पर एनम। चलो हाईएस्ट में तो वैसे भी हम इंटरेस्टेड नहीं है, एवरेज और मीडियम देख लो, 25.9 लाख पर एनम एवरेज सैलरी, बड़े बड़े IIMs को भी टक्कर दे रहा है। मीडियम सैलरी 25.8, अगेन वेरी वेरी हेल्दी, ये 24 भी होती तो भी चल जाता। देन PPO 65, आधे से ज़्यादा बैच को तो PPOs मिले हैं। लोवेस्ट CTC देख लो यार, 17 है, एंड PPO की बात करें तो 14 है। बहुत अलग लेवल के स्टैट्स है ये इंस्टीट्यूट के। फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें तो एवरेज सैलरी 29.8 लाख की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड इवन DMS IIT दिल्ली में ये पैरामीटर दिया है, अगर आपने नोटिस नहीं किया था तो। लेट मी स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आप देख सकते हो फीमेल स्टूडेंट्स का मीन CTC 21.9 लाख। भाई ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये अलग लेवल पे, यहाँ पे आप और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उन्होंने दिया भी है इंफॉर्मेशन, है ना। सो गाइज, ये थी पूरी वीडियो जहाँ पे मैंने स्टैट्स डिस्कस की है, एवरेज सैलरी, सीट फी, और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी यहाँ पे मैंने दी है, जो आप आराम से जाके चेक कर सकते हो। लेट मी नो वेदर यू नीड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक इट। ओके, और कौन से वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। स्पेशलाइजेशन, GDBAT टॉपिक, सर्टिफिकेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे है, आराम से जाके चेक कर लो। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस। यस, इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म है वो यहाँ पे दिया है, यू कैन फिल इट अप। दैट्स इट इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एडमिशन सीजन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।